क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला गया है f एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा जब x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर ओके एंड एफ एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा होगा जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर ठीक है। अच्छा अल्फा एंड बीटा रियल कॉन्स्टेंट्स है ठीक है। f x इक्वल्स टू वन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो हमें 3 अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है ठीक है। देखो f डैश वन क्या आएगा, f डैश वन 2x जब x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो होगा अल्फा जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू वन पे तो दिस इक्वल्स टू दिस होगा ओके। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे तो अल्फा इक्वल्स टू 2x हम पहले लिख देते हैं, अब देखो f डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू वन पे ठीक है। अच्छा एक मिनट अल्फा इक्वल्स टू 2x नहीं, अल्फा इक्वल्स टू होगा क्यों, देखो दिस इक्वल्स टू दिस कब होगा जब f डैश वन होगा, f डैश वन क्या होगा 2 ये अल्फा जब x बिलोंग्स टू q एंड जब x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। अब देखो एट x इक्वल्स टू वन पे ये डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू दिस होगा तो अल्फा इक्वल्स टू 2 हो रहा है। अब बीटा क्या होगा देखो f एट x इक्वल्स टू वन पे डिफरेंशिएबल है इसका मतलब f एट x इक्वल्स टू वन पे कंटिन्यूअस भी है ठीक है। अच्छा अगर f एट x इक्वल्स टू वन पे कंटिन्यूअस है तो देखो लिमिट x टेंस टू वन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे होगा 1 जब x बिलोंग्स टू q एंड यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा जब x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट ठीक है। अच्छा कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1 पे तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू दिस होगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो रहा है 1 तो यहाँ पे हमें क्या मिला है अल्फा इक्वल्स टू 2 तो दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा मतलब 1 माइनस 2 दिस इक्वल्स टू माइनस 1 ठीक है। तो 3 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस माइनस 1 तो दिस इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें f एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है क्लोज इंटरवल 0,1 से रियल नंबर पे एंड ये जो f है वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 0,1 पे एंड f0 इक्वल्स टू 1 f1 होल क्यूब प्लस 2f1 इक्वल्स टू 5 दिया गया है ठीक है। तो हमें प्रूफ करना होगा कि ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में c एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा जिसके लिए f डैश c इक्वल्स टू 2 बाई 2 प्लस 3 इंटू एफ सी का होल स्क्वायर होगा ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे लैग्रैंज थ्योरम यूज़ करने की कोशिश करूँगा, जी एक्स में लेता हूँ, जी एक्स इक्वल्स टू मान लो एफ एक्स का होल क्यूब प्लस 2 इंटू एफ एक्स माइनस 5 ठीक है। अच्छा अब देखो जब आप यहाँ पे एक्स के जगह 1 रखोगे जी वन क्या होगा f1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू एफ वन माइनस 5 ठीक है। तो ये क्या दिया गया है दिस इक्वल्स टू 5 तो दिस इक्वल्स टू होगा 0 ओके एंड g0 क्या होगा, g0 क्या है यहाँ पे x का जगह 0 पुट कर दो f0 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू एफ ज़ीरो माइनस 5। अच्छा f0 क्या है, f0 है 1 तो ये होगा 1 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 3 माइनस 5 क्या होगा माइनस 2 ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो ये जो f है ये कंटिन्यूअस है इस इंटरवल पे तो g क्या है, g है एफ एक्स का क्यूब प्लस 2 इंटू एफ एक्स माइनस 5 तो g जो है वो भी कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल पे एंड डिफरेंशियल होगा इस इंटरवल पे ठीक है। अच्छा एंड जी वन दिया गया है, जी वन हमें मिला है 0 एंड जी 0 मिला है माइनस 2 तो यहाँ पे हम लैग्रैंज थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो जी डैश सी क्या होगा, सी 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है ठीक है। अच्छा जी डैश सी होगा जी वन माइनस जी 0 बाई 1 माइनस 0 ठीक है। अच्छा
तो देखो जी डैश एक्स करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ से देखो जी डैश एक्स क्या होगा, 3 इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा अब एफ डैश एक्स को कॉमन ले लो तो क्या होगा, 3 इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा तो जी डैश सी क्या होगा, जी डैश सी दिस इम्प्लाई जी डैश सी क्या होगा, एक्स की जगह आप सी पुट कर दो, 3 इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, सॉरी एक्स नहीं यहाँ पे सी होगा, एफ सी का होल स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू एफ डैश सी, ठीक है। अच्छा जी वन क्या होगा, जी वन क्या है, जी वन है 0 माइनस जी जीरो है माइनस 2 बाई 1 माइनस 0, तो दिस इम्प्लाइज ये होगा 2 बाई 1, तो दिस इक्वल्स टू होगा 2, तो एफ डैश सी क्या होगा 2 बाई दिस, ये क्या है 2 प्लस 3 इंटू एफ सी का होल स्क्वायर, तो एफ डैश सी इक्वल्स टू ये होगा।